जय माता जी। दोस्तों मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों एक बार फिर से आज हम निकल पड़े हैं बड़ा डूंगर की गोद में बसे एक पवित्र स्थान घूमली, और यहाँ पर है माँ आशापुरा माँ का सबसे प्राचीन मंदिर। पोरबंदर से घूमली 50 किलोमीटर और राणावाव से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर पहाड़ी पर आपको जो दिख रहा है वही है माँ आशापुरा का सबसे प्राचीन मंदिर, और यह है मंदिर के नीचे लगी हुई छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर माँ आशापुरा की चुनर, नारियल और पूजा की अन्य सामग्री मिलती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें करीबन करीबन 800 सीढ़ियां चढ़नी होगी, तो अभी हम चढ़ना शुरू करते हैं। आप सब भी मेरे साथ बने रहिए माँ आशापुरा का नाम लेकर। बोलो माँ आशापुरा की जय। वैसे ठंडी का माहौल है इसलिए चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे आज रविवार के मुकाबले भक्तजन भी कम दिख रहे हैं। इतनी ऊंचाई से ऐसा दिखता है घूमली का नवलखा मंदिर। ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखने से घर भी बड़ा बनता है, ऐसी लोगों की श्रद्धा है। ये जो पीछे दिख रहा है वह है आबपरा, और उसके पास है वेणु पर्वत। मुझे इस सीढ़ियों को चढ़ते हुए आधा घंटा हो गया है, और अब मैं मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। यही है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों अभी मैं बड़ा डूंगर की गोद में बसे एक पवित्र स्थान जिसे माँ आशापुरा माता के मंदिर कहते हैं वहां पर हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं माता जी का मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ईस्वी सन 1309 में जब जाम उणाजी सिंह से आए तो उन्होंने घूमली के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उनका दुर्भाग्य कहे वो इस युद्ध को हार गए। बाद में 1313 में जाम उणाजी के बेटे जाम बर्मनिया जी ने फिर से घूमली के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन इस बार वह इस युद्ध को जीत गए। उसी रात माँ अम्बे ने जाम बर्मनिया जी के सपने में आकर उनको एक संदेश दिया। वह संदेश यह था कि तुम्हारे पिता की घूमली जीतने की इच्छा को मैंने पूरा किया है, इसलिए घूमली में मेरा मंदिर बनना चाहिए। तब जाम बर्मनिया जी ने इसी पहाड़ पर माँ अम्बे का मंदिर बनवाया, और आज वह मंदिर माँ आशापुरा माँ के मंदिर के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों इस मंदिर में माँ आशापुरा की दो मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी और दूसरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तीसरे कक्ष में सामुद्री माता जी है। હું વિનુભાઈ થાનકી બોલું છું. મારી પત્નીનું નામ દિવ્યાબેન દવે છે. બરાબર પોરબંદરથી આવીએ છીએ. આશાપુરામાં ત્યાં નિવેદ ધરવા આવ્યા છે, શેરાશેરી છોડવા આવ્યા છે. માતાજી ઉપર પૂરેપૂરો અમને વિશ્વાસ છે. અમે દર વખતે આવીએ છીએ અને માતાજી બધાને શાંતિ રાખે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તાજેતરમાં મારા મેરેજ થયા છે, લગ્ન થયા, એને આજે 4 દિવસ થયા છે. 4 દિવસમાં અમે અહીંયા માતાજી ન્યા આવ્યા છીએ, અહીંયા નિવેદ કર્યા છે. જય મા આશાપુરામાં. दोस्तों कहा जाता है कि जाम बर्मनिया जी से हार कर जेठवा राणपुरा चले गए और इस तरफ जाम बर्मनिया जी ने गुमली को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों यही था माँ आशापुरा माता के मंदिर का इतिहास। आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर और मेरी चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि मैं और नए वीडियो के साथ आपके सामने आ सकूँ। बोलो आशापुरा माता की जय।